तो गाइस हैप्पी दिवाली सभी को। तो देखिए ये डेकोरेशन चल रही है और ये जीभ कट गई मेरी। तो ये देखिए ये डेकोरेशन चल रही है हल्की फुल्की। हमारे पास पहले की ही ये माला पड़ी हुई थी, तो देखिए ये हल्की फुल्की सी डेकोरेशन कर दे रहे हैं हम। तो ये दोनों डेकोरेशन कर रही हैं, ठीक है यहीं पे माला लगे तो इससे डेकोरेशन करते हैं हम, छोटे पड़ रहे हैं इसलिए। तो गाइस ये ऐसा है ना, हमारे पास पहले की ही थोड़ी सी पड़ी हुई थी माला, तो उन्हीं से हम थोड़ी सी डेकोरेशन कर ले रहे हैं। और कुछ लेके नहीं आए थे हम माला, मतलब फूल वाली माला लेके आए थे। देखो दिखाऊं, ये फूल वाली जो रियल फूल होते हैं वो वाली माला है। यहाँ पे बहुत महंगी माला मिल रही है और ये माला मेरे पास पहले से ही पड़ी थी। तो ये देखिए ये माला पड़ी हुई है थोड़ी सी, और इसमें भी हैं थोड़े से डेकोरेशन का आइटम। तो बहुत ही मतलब हर साल लेते रहते हैं तो मतलब पड़ा रहता है। तो ये भी लिया था मैंने, एक मेला लग रहा था उसमें से लिया था, तो ये मैंने साफ़ करवा दिया है तो ये धो दिया था। और ये दीपक सूख रहे हैं, देखो दीपक अब रेडी हैं। अब मैं बाती बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि बाती। और ये देखिए ये डेकोरेशन की चुन्नी है, चुन्नी ही है मतलब सूट की चुन्नी है, डेकोरेशन के लिए कर दी है ये। तो जितना सामान है हमारे पास उसी से हम डेकोरेशन कर लेंगे। और ये मिर्ची पड़ी हैं अभी धूप, वो ऊपर से मिर्ची उतारा जा। तो ये दीपकों को हम अभी तैयार करेंगे। और ये एक बड़ा दीपक है जो अखंड दीपक जलता है रात भर वो है। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आप शॉल ओढ़ के क्यों घूम रही हैं, मुझे लग रही है ठंड की होंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है कुछ, सर में भी दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है बुखार सा हो रहा है क्या ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से मुझे ठंड की वजह से मैंने शॉल ओढ़ रखी है। तो अब ठंड में तो मेरा हाल यही रहने वाला है कि मेरी शॉल स्वेटर नहीं उतरेंगे, तो आप देखते रहना ठीक है। तो देखिए और हमारी ऊपर भी लाइटिंग लग चुकी है जो सुबह लगा दी थी इन लोगों ने। ये देखिए ये आपको दिख रही है, ये माला लगाई है ऊपर, ये किसी और के कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर, ये माला ये झल्लर है मतलब लाइटिंग वाली तो जलेगी, मैं आपको दिखाऊंगी ये। आज देखिए ये मैंने रुई की एक पैकेट मंगाई थी और ये है पानी। अब मैं बातियाँ बनाऊंगी थोड़ी सी इसमें, और ये बातियों के लिए है तो मैं बाती बनाऊंगी अभी तो ठीक है। और ये बनाते हैं हम बाती, ठीक है। देखिए गाइस ऐसे हम थोड़ी सी रुई ले लेंगे और इसी पतली पतली ऐसे करनी है, हमें लंबी करनी है थोड़ी। वैसे तो ये रेडीमेड भी बाज़ार में मिलने लगी हैं आजकल, पहले के लोग बनाते थे तो हमने अपनी मम्मी तो दादी को नहीं देखी है मेरे गाइस, पर मैंने अपनी मम्मी पे ऐसे ही देखा है कि मेरी मम्मी खुद ही घर पर बनाती थी तो मैं भी ऐसे ही बना लेती हूँ अपने आप रेडी। मैं ऐसे ही बना लूँगी, जितने दीपक हैं उतने मैं बना लूँगी बाती। तो रेडीमेड ले सकते हो आप और नहीं रेडीमेड मिल पाती है। मैंने तो सोचा था कि मेरे घर पर रुई पड़ी होगी तो मैं उससे बना लूँगी, पर घर पर आकर देखा तो गाइस रुई नहीं थी। फिर मैंने अभी पैकेट मंगाई, एक नई पैकेट मंगाई थी उसी से फिर मैंने बनाया था। देखो हाथ सूख जाते हैं, उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी पानी ले सकते हैं आप, दूध ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही फूल वाली जो बनती है वो भी ऐसे ही बनती है, आप उसे भी घर में बना सकते हो। लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है तो इस वजह से टाइम की बचत के लिए हर चीज़ रेडीमेड ही लेके आते हैं। पर नहीं, मैं तो गांव से हूँ तो मुझे गांव के जैसी ही हर चीज़ करना आती है, मुझे बाज़ार जैसी नहीं आती। फिर भी रेडीमेड कोई चीज़ मिलती है तो लेके आनी पड़ती है, जो चीज़ नहीं आती है हमको वो लेके आनी पड़ती है, और जो चीज़ आती है उसे करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मेरी बातियाँ बन जाएंगी। अब दीपक तो मैंने पहले ही गला दिए थे, क्योंकि पूरा दीपक होता है ना तो वो पानी पीता है, तो उससे पानी में पहले हमें आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना चाहिए, फिर निकाल के रख देना चाहिए। दोपहर में ही ये काम कर देना चाहिए क्योंकि शाम तक बिल्कुल दीपक सूख जाते हैं, फिर ये बाती लगा कर आप अपना काम कर सकते हो। तो ये ऐसे दीपक तैयार हो जाते हैं। और फैंसी दीपक भी मिल रहे थे पर नहीं, मैं फैंसी दीपक नहीं लेके आ पाई,
अगली बार लेके आऊँगी फैंसी दीपक, इस बार नहीं लिए गाइस। तो हमें वैसे ही इनको और थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान था घर पे, हमने इस बार कुछ ख़रीदा नहीं ज़्यादा गाइस, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिया हमने, ज़रूरत से ही चीज़ लिया है क्योंकि हमें ज़रूरत थी उतना ही चीज़ लिया हमने। देखिए अब ऐसी ही बातें बनानी है। तो गाइस देखिए अब हम दियों को तेल भरेंगे इनमें और बाती लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए तेल भरते हैं और बाती लगा। ये दियन की बना रही है तो आंगे नहीं तुम सजाओ दीप वो गाना मेरे घर राम आए मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ, इस साड़ी को पहनूंगी मैं, ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है। और ये लहंगा है, ये लहंगा को ये मैडम जी पहनेंगी, ठीक है। तो चलिए होते हैं तैयार। तो हेलो गाइस देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल, और मैंने तो तैयारी कर ली अपनी। देखिए ये पहना है मैंने इसके मैचिंग मैचिंग, और ये हैं चूड़ियाँ, और ये साड़ी पहनी है, ठीक है। और ये ब्लाउज मैंने अपने आप बनाया था, अपने आप बना लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब पूजा की तैयारी करी जाएगी, अब पूजा होएगी। सही कर ली स्टे तो कर लेते जो बना लेते सही कौन कर देगी। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ। कौन आ जाओ तिलक लगा भी लगा सवाल पहले सवाल नहीं लगाया पहले भगवान जी के मत लगाओ।
जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति गरियावे कष्ट मिटे तन का जय जय तो गाइस हमारे यहाँ खाना शाम का खाना बन रहा है। अभी खाना ख़त्म हो गया था तो अभी हमने शूटिंग चल रही थी, शूटिंग नहीं हो पाई अधूरी, तो भूख लग रही थी सबको, खाना तो बनाना ही था अम्मा बाबा के लिए भी, तो इस वजह से अब खाने की तैयारी। एंड गाइस सब्जी बनाइए वाली आलू टमाटर की। तो गाइस हमने खाना पीना खा लिया है अभी, और अभी छुड़ाने जाएंगे हम बम पटाके। और देखिए ये बड़े बड़े इंतज़ार कर रहे हैं बम पटाके चलाने के लिए, तो अभी बम पटाके चलाएंगे ऊपर छत पे जा कर के। और झुमकी कैसी लग रही है गाइस बताना कमेंट करके। और ये नेकलेस कैसा लग रहा है, मेरी साड़ी भी कैसी लग रही है बताना, ठीक है। ये पटाखा मेरा छोटा भाई है जो कोर ओ नीलू भाग गई। तो हेलो गाइस देखिए हम हैं छत पर, और देखिए हमारी छत का नज़ारा कैसा हो रहा है। और ये रिंग लाइट नहीं है, ये दूसरा वाला फोन है, और मुझे यहाँ पे लग रहा है डर, क्योंकि ये बम पटाखे फूटते हैं तो इससे डर लगता है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं चलाए जाते। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा शहर, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, लाइटिंग वाइटिंग तो अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे बम पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं और मुझे लग रहा है डर, अब मैं जाऊंगी नीचे। अनार चल रहा है गाइस, दो दो एक बार में अनार चल रहा है, बोलेगा तो नहीं नहीं को कितनी ठंड लग रही है। और देखो देखो मेरी सब दिखाई नहीं दे रही यहाँ, तो ब्लैक। तो यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे, अब काम ख़त्म हो गया क्योंकि बज चुके हैं 10, तो अब हम नीचे जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, तो टाटा बाय बाय, यानी कि नाक में घुस गई बम।